हाँ जी, तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज हम बात करने वाले हैं IOB इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। तो पहले मैं बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हमारे चैनल पर आपको मिलेगी लेटेस्ट शेयर्स, न्यूज़ एंड कुछ डिटेल एनालिसिस स्टॉक्स का, जिससे आपको हो सके फ़ायदा। अगर आप इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं जो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे का वीडियो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर IOB की न्यूज़ आ रखी है, बहुत जल्दी आई है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आ रखा है शक्ति शुगर सेटल लोन विथ IOB फॉर ₹29 करोड़ अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 50 करोड़। जो शक्ति शुगर है उसने थोड़ा सा लोन पे कर दिया है 29 करोड़ का, और जो 50 करोड़ है उससे ज़्यादा कम 29 करोड़ पे कर दिए हैं थोड़े अमाउंट। उससे क्या पता IOB को कुछ फ़ायदा मिले। तमिलनाडु बेस्ड शक्ति शुगर लिमिटेड हैज़ वन टाइम सेटलमेंट्स ऑफ इट्स लोन फ्रॉम इंडियन ओवरसीज बैंक नियरली 29 करोड़ एज अगेंस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ 50 करोड़। तो जैसे मैंने बताया था, उसने इतना अमाउंट पे कर दिया है। आफ्टर द सेट दिस सेटलमेंट द बैंक विल ड्रॉ द इट्स एप्लीकेशन बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT से पहले वो अपना विड्रॉ कर लेगा एप्लीकेशन। इस सेटलमेंट हो चुका है। द कंपनी हैज़ मेड वन टाइम सेटलमेंट OTS ऑन June 29, 2021 द लोन अवेबल फ्रॉम इंडियन ओवरसीज बैंक एट ₹28.90 करोड़ अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग ऑफ 50 करोड़ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट एट द March 2021। शक्ति शुगर सेड इट्स रेगुलेटरी फिलिंग। तो जो एप्लीकेशन डाली थी उससे पहले सेटलमेंट कर लिया है शक्ति शुगर ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक के साथ। विद दिस OTS द बैंक हैज़ एग्री टू विड्रॉ इट्स एप्लीकेशन बिफोर NCLT एडेड। तो अगर आप देखें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक को बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने पहले एप्लीकेशन निकाली NCLT से और शक्ति शुगर ने सेटलमेंट कर दिया है लोन का, तो अच्छी बात है। इतनी थी न्यूज़, थैंक यू फॉर। अगर आप चैनल को अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर इट।